इंसान की फितरत है। तन से ना सही, मन से उसकी सैर जारी रहती है, यानी उसकी आवारगी की कोई सीमा नहीं। वो घूमना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है और अपनी इस फितरत को पूरा करने के लिए उसने सीजन तक अलॉट कर रखे हैं और इजाद किए हैं घूमने के तरीके। जी हाँ, ये उसकी आदिम फितरतों को पूरा करने का मौसम है। तमाम विविधताओं से भरपूर एक देश भारत, नदियाँ, पहाड़, समंदर, रेगिस्तान, जंगल, हरी भरी वादियाँ, उम्दा सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध ऐतिहासिक रवायत और भी बहुत कुछ। जो देखना चाहता है जिंदगी के जद्दोजहद के बीच उकताया, परेशान लेकिन कल्पना से भरपूर एक इंसान। क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, रुपी स्ट्रांग हो गया है, तो इससे मैं समझता हूँ, और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हर आदमी के पास है, तो आदमी दो धड़क होकर ट्रैवल कर रहा है। देश के इस समाज शास्त्रीय बदलाव ने पर्यटन की तमाम संभावनाएं खोल दी हैं और अब सैर के नए नए रूप हमारे सामने आ रहे हैं। जाहिर है देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक पहलुओं की विविधता लोगों के लिए तमाम वजहें पैदा करती है। पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं ने तमाम बुनियादी सुविधाओं पर भी असर किया है। अब परिवहन सुविधाओं के बढ़ने के साथ साथ हवाई यात्राएं भी सस्ती हुई हैं। यही नहीं, कई निजी एयरलाइंस के आने के बाद से हवाई उड़ानों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इसके अलावा यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। डोमेस्टिक पैकेजेस शुरुआत होती है करीब 900 रुपए से पर पर्सन पर नाइट, रेट्स में बता रहा हूँ आपको, और 900 रुपए से लेके दीज पैकेजेस कैन गो अप टू इवन 10,000 रुपीस पर नाइट। यानी अगर आपके अंदर सैर करने का जज्बा है और जेब में तमाम जरूरतों को चुकाकर बचाए हुए पैसे हैं, तो आपके सामने हाजिर है विशाल भारत की सैर। फिर चाहे सैर महीने, 15 दिन, हफ्ते या फिर वीकेंड की हो, एक नया अनुभव आपके इंतजार में है। अखिलेश कुमार, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।